नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। यदि 90 के दशक में वापस जाया जाए तो उस दौरान कुछ ऐसे सितारे थे जो भले ही पर्दे पर छाए नहीं, लेकिन उनके फैंस की संख्या काफी थी, या यूं कहें शुरुआती सफलता के बाद ये गुमनामी में चले गए। उस दौर के चॉकलेटी हीरो का खिताब इन्हीं के पास था, लेकिन अब ये सितारे पर्दे से गायब हो गए हैं। आइए जानते हैं 90 के दशक के चॉकलेटी अभिनेता अब कैसे दिखते हैं और क्या करते हैं। बॉलीवुड में 90 के दशक के समय में कई एक्ट्रेस ऐसी थी जिनकी आज भी बात की जाती है, लेकिन उस समय में एक्टरों की बात की जाए तो कई एक्टर ऐसे हैं जिन्होंने बड़ा मुकाम तो हासिल नहीं किया, लेकिन आज भी फैंस के दिलों में वो हैं। जुगल हंसराज ने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में अपना करियर शुरू किया था। इस चॉकलेटी हीरो की क्यूटनेस की कई लड़कियां चहेती थी। मोहब्बतें के बाद भले ही उन्हें फिल्में नहीं मिली, लेकिन इनकी क्यूटनेस की खूब चर्चा हुई। इसके कुछ सालों बाद ही उन्होंने निर्देशन में भी हाथ आजमाया, जो कामयाब नहीं हुआ। फिलहाल वो जैस्मिन ढिल्लन से शादी कर एक बच्चे के पिता बन चुके हैं। तेरे मेरे सपने से करियर की शुरुआत करने वाले चंद्रचूड़ सिंह ने माचिस, दाग दी फायर, क्या कहना और जोश जैसी फिल्मों में काम किया। शुरुआती दिनों में इनकी चॉकलेटी बॉय की इमेज लड़कियों को पसंद भी आई, लेकिन वो अपने इस फैन फॉलोइंग को बरकरार नहीं रख पाए और कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से फिल्मों को अलविदा कहना पड़ गया। हाल ही में उन्हें सुष्मिता सेन के साथ हॉटस्टार की वेब सीरीज आर्या में देखा गया था। वहीं 40 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय कर चुके अक्षय खन्ना को स्टारडम नहीं मिला जिसके वो हकदार थे, मगर उनकी फीमेल फैंस की संख्या बहुत ज्यादा थी। इन्हें 90 के दशक में बॉर्डर और ताल जैसी फिल्मों के लिए अवार्ड भी मिल चुका है, मगर फिल्मों से एक लंबे ब्रेक के बाद उनका करियर डगमगा गया और आज वो कभी कभी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल करते नजर आते हैं। 2000 के दशक में आई फिल्म तुम बिन का क्यूट सा अमर तो याद होगा। इन्होंने अपने डिंपल और क्यूटनेस से सभी के दिलों में अपनी छाप छोड़ी, मगर उस फिल्म के बाद इनका जादू फीका पड़ गया और इनकी क्यूटनेस भी कहीं खो सी गई थी। इसके बाद इन्होंने टेलीविजन पर कबूल है और बहू हमारी, रजनीकांत जैसे सीरियल से दोबारा शुरुआत की और उन्हें टेलीविजन पर वो पहचान मिली जो बड़े पर्दे पर खो गई थी। वहीं राहुल ने आशिकी से सबके दिलों पर कब्जा किया। इसके ठीक बाद फ्लॉप फिल्मों का सिलसिला चलने से इनका स्टारडम रातों रात कहीं खो सा गया था। इसके बाद टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 2007 में हिस्सा लिया और इससे जीता भी। हालांकि वो कभी कभी फिल्मी पार्टीज में नजर आ जाते हैं। हाल ही में राहुल आशिकी के 20 साल पूरे होने पर कपिल शर्मा के शो में नजर आए थे। 90 के दशक में कई स्टार आए जिन्हें खूब शोहरत मिली थी, लेकिन इन सितारों को उतनी शोहरत तो नहीं मिल पाई, पर तब भी लोगों के दिलों में इनके लिए आज भी जगह है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।